टोडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल वेन अपोथसिस इज गिवेन आर रिपीटेड एक्सपोजर टू द एक्सपेरिमेंटेशन एंड इट इज़ नॉट फॉल्सिफाइड इनक्रीज द बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इन हाइपोथिस जब आप हाइपोथसिस को जो है वो दोबारा से एक्सपेरमेंटेशन करते जाएँ और वो आपके पास फॉल्स ना हो तो ये बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर देता है कि जो आपका हाइपोथसिस है वो ट्रू है सच वेल सपोर्टेड हाईपोथसिस में बी यूज एज द बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथसिस विच आर अगेन प्रूव बाई द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो आपके पास वो जो हाइपाथसिस है वो बेस बनता है फर्दर हाइपोथिस की जो आप प्रूव करें रिजल्ट से एक्सपैरिमेंट से द हाइपोथिस दैट स्टैंड फॉर द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्ट एंड नीवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्यूरीज यानी वो हाइपोथसिस जो आपके पास टेस्टेड हो लेकिन रिजेक्ट ना हो उसे आप थ्योरी कहते हैं एंड आ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय द ग्रेट डील ऑफ एविडेंसेज यानी उसके अंदर आपके पास बहुत से एविडेंसेज हो उससे वो प्रूव हुआ हुआ हो तो वो आपके पास थ्योरी होता है प्रोडक्टिव थ्योरी कीप्स ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपाथ एंड सो टेस्टिंग गोस ऑन जो 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 आपके पास प्रोडक्टिव थ्यूरी होती है उससे आप न्यू हाइपाथस बनाते जाते हैं और उसको टेस्ट करते रहते हैं मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्ज ग्रेटर एफर्ट टू डिसप्रूव द थ्यूरी तो आप क्या करते हैं जो आपके पास बायोलॉजिस्ट हैं वो उस थ्यूरी को डिसप्रूव करने के लिए अपनी एफर्ट पुट करते हैं इफ़ अ थ्यूरी सर्वाइव्स सच अ डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इज बिकम अ लॉ एंड प्रिंसिपल जब आपकी थ्योरी जो है वो डिसअप्रूव ना हो और वो उसी तरीके से कंटिन्यू रहे सपोर्ट करती रहे आपकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को तो वो आपका लॉ या फिर प्रिंसिपल बन जाता है आ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कंस्टेंट फैक्ट्स और आ नेचर फैक्ट्स और नेचर यानी आपके पास जो साइंटिफिक लॉ है वो आपका यूनिफॉर्म या कॉन्सटेंट फैक्ट होगा नेचर का इट इज़ इटेबल थ्यूरी एग्जाम्पल्स ऑफ द बायोलॉजिकल लॉ और हार्डी वेंगबर्ड लॉ और अंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वेन अ फीमेल मॉस्कीटो पार्स द स्किन विद हर माउथ पार्ट्स शी इंजेक्ट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लाइवा इन टू द वून बिफोर अ ब्लड यानी वो आपके स्लाइवा जो है वन के अंदर इंजेक्ट कर देती है एंड द स्वा प्रिवेंट्स द ब्लड फ्राम क्लॉटिंग इन हर फूड कैनाल यानी उसके फूड कैनाल के अंदर उससे क्लॉटिंग का जो स्लाइवा है वो प्रिंट करता है सो दीज आर द बायोलॉजिकल मेथड स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन इज़ अ फोकस ऑन योर सेंसेस एंड यूज़ योर ब्रेन जस्ट ऑब्जर्व डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन में आप सिर्फ जो है ऑब्जर्व करते हैं एक्सप्लेन नहीं करते सेकेंड वन इज़ हाईपोथसिस थिंक ऑफ द आंसर दैट माइट मेक सेंस यानी आप उस आंसर को फाइंड आउट करते हैं जो सेंस बना सकता है डोंट मेक कंक्लूजन बट यूज़ इफ दैन एंड प्लान एक्सपैरिमेंट यानी आप जो है वो इफ़ दैन के एक्सपैरिमेंट प्लान करते हैं और उसको कंक्लूड नहीं करते ये डिडक्शन होती है नेक्स्ट स्टेप में आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है एक कंट्रोल ग्रुप होता है उससे आप एक्सपैरिमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप डाटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं उसको एनालाइज़ करते हैं और समराइज़ करते हैं जब आपके पास रिज़ल्ट की समराइज़ेशन हो जाती है तो अगर वो प्रूव नहीं होती तो आप अगेन एक न्यू हाइपोथेसिस बनाते हैं जो आपकी ऑब्ज़र्वेशन होती है उस ऑब्ज़र्वेशन से एक न्यू हाइपोथेसिस बनाते हैं और अगर वो प्रूव हो जाता है तो रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट यानी आप रिज़ल्ट को रिपोर्ट करते हैं उस पर डिस्कशन होती है सेमिनार्स होते हैं फर्दर टेस्टिंग होती है और वो एक थ्योरी बन जाती है और जब थ्योरी से आपकी फ़र्दर टेस्टिंग होती है तो वो एक लॉ या फिर प्रिंसिपल बन जाता है सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो वी विल राइट बैक विद अनदर वीडियो